संतों के साथ 5 जून को माता कलीसिया संत बोनिफस का पर्व मनाती है। संत बोनिफस का जन्म सन 680 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। पहले वह विनफ्रिड के नाम से जाने जाते थे। जब वह 5 वर्ष के थे तभी उसके घर में आए मठवासियों की बातें सुनकर उसने भी एक मठवासी जीवन जीने का दृढ़ संकल्प कर लिया। उसके 7 साल उपरांत उसे एक एक्सेप्टर मठ स्कूल में भेजा गया और वहीं विंचेस्टर धर्म प्रांत के करीब 7 वर्षों तक एक सुयोग्य मठाध्यक्ष के रूप में बच्चों को पढ़ाता रहा। इसी के साथ अपनी पढ़ाई को भी लगनता से पूरा किया। उसके गुणों से प्रभावित होकर उसे उसी स्कूल का निर्देशक बना दिया गया। उसके पढ़ाने की कला और व्यक्तिगत प्रसिद्धि ने बहुत से बुद्धिजीवियों का मोह मोह लिया, जिसका लाभ उठाकर उसने प्रथम लैटिन व्याकरण लिखने में अपनी अहम भूमिका अदा की। 30 वर्ष की उम्र में एक पुरोहित बनकर अपने प्रवचन के द्वारा दूसरों को प्रेरित करना उनकी एक विशेषता थी। फिसिया और सैक्सिनियो, जो पुरखों की भूमि कहलाती थी, वहाँ के लोगों को भी परिवर्तित करना उसका प्रमुख सपना था। इन देशों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने वह रोम गया, जहाँ संत पापा ग्रेगरी द्वितीय ने उसे जर्मनी के संपूर्ण कलीसिया की अगुवाई करने का उत्तरदायित्व सौंपा और उसी समय से उसका नाम बोनिफस पड़ा, जिसका अर्थ है अच्छा काम करने वाला। उसने जर्मनी के पर्वत शिखरों को पार कर बावेरिया के हेसे तक यात्रा की, जहां लोग गैर ईसाई थे, जिनकी देखरेख सिर्फ पुरोहित या धार्मिक नेतागण ही करते थे, क्योंकि वहां पर कई कारणों से लोग अनपढ़, लापरवाह और अवज्ञाकारी थे। इसलिए 722 ईस्वी में संत बोनिफस उन तमाम परिस्थितियों का रिपोर्ट लेकर रोम में प्रस्तुत किया। उसने एक क्षेत्रीय बिशप बनकर कलीसिया के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपने दायित्व को भली भांति निभाया। फ्रांकिस के शासनकाल में दुनिया के याजक वर्ग और संत पापा के नियंत्रण के अभाव में उसे धर्माध्यक्ष चुनाव में संकटों का सामना करना पड़ा। जर्मनी की कलीसिया को स्थिर बनाए रखने के लिए उसने 2 सिद्धांतों का पालन किया। पहला, रोम के संत पापा तथा अपने अन्य धर्माध्यक्षों के प्रति आज्ञाकारी बने रहना। दूसरा, बेनेडिक्टन मठाध्यक्ष के रूप में एक प्रार्थनालय का निर्माण करना। एक बड़ी संख्या में एंग्लो सैक्सन मठावासी और सिस्टरगण ब्रह्मचारी जीवन जीने के लिए उसका अनुसरण करने लगे। उसने बेनेडिक्टन धर्म बहनों को शिक्षा का सक्रिय प्रचार करने के लिए भी प्रेरित किया। संत बोनिफस एक क्रिस्तीय होकर क्रिस्त का साक्षी देते रहे। उसके अनुसार क्रिस्त का अनुसरण करने का अर्थ है क्रूस का रास्ता अपनाना। वे जीवन में दुख, कष्ट, कृतज्ञता को सहते हुए कलीसिया को नया रूप देने के लिए कई आश्चर्यजनक कार्य किए। एक नए व्यक्ति को क्रिस्त के संपर्क में लाना ही उनका मिशनरी गौरव था। संत बोनिफस का प्रयास ईसाई धर्म का प्रचार कर गैर ईसाइयों के बीच फैले अंधविश्वास को दूर करना था। जब फ्रीसियन के अंतिम मिशन कार्य में लोगों को दृढ़करण संस्कार के लिए तैयार कर रहे थे, उसी समय 53 साथियों के साथ उनकी सामूहिक हत्या कर दी गई। संत बोनिफस अपने विश्वास के कारण ईश्वर में लीन हो गए।